हेलो फ्रेंड, आई होप यू आर डूइंग वेल। फ्रेंड, मैं इस वीडियो में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें आपको 1858 यानी 1858 से लेकर के 1947 तक जितनी भी वायसराय आए इंडिया के अंदर, और उन्होंने क्या क्या मेजर रिफॉर्म किया और क्या क्या स्टेप्स लिए अपनी गवर्नमेंट में, उन सबको डिस्कस करूँगा इन वेरी शॉर्ट पॉइंट्स। तो सबसे पहले ये वायसराय जो टाइटल स्टार्ट हुआ था, ये हुआ बैटल ऑफ 1857 यानी 1857 की जो क्रांति थी, जो गदर था, उसके बाद यहाँ पे जो टाइटल था वो चेंज हो गया और वायसराय टाइटल स्टार्ट किया गया। तो ये स्टार्ट किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जो इंग्लैंड में रूल करती थी। उसे ये फील हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो यहाँ पे इंडिया के अंदर बहुत सारे मिसमैनेजमेंट कर रही है, जिसकी वजह से ये 1857 की प्रॉब्लम क्रिएट हुई। सो इसको टैकल करने के लिए उन्होंने वायसराय टाइटल स्टार्ट किया, वायसराय ऑफ इंडिया। और ये वायसराय जो होता था, ये डायरेक्टली गवर्न होता था बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके, और ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम इंडिया के अंदर कंडक्ट होता है, आईएएस एग्ज़ाम या पीसीएस एग्ज़ाम, स्टेट पीसीएस और एसएससी के भी एग्ज़ाम, चाहे एसएससी जेई हो, एसएससी सीजीएल हो, सारे एग्ज़ाम में इस टॉपिक से एक से दो क्वेश्चन आपको इजीली मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसे अच्छे से आप रिमेम्बर कर लें। सो स्टार्ट करते हैं हम। पहला हमारा जो वायसराय है वो है लॉर्ड केनिंग। लॉर्ड केनिंग 1858 से 1862 तक रहा, और इसने जो मेजर स्टेप लिया वो लिया एबॉलिश डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को एबॉलिश कर दिया इन्होंने। नेक्स्ट थे हमारा लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन जो थे ये 1862 से लेकर 1863 तक, इस ड्यूरेशन में हमारा वहाबी मोमेंट स्टार्ट किया गया था। ओके, लॉर्ड लॉरेंस नेक्स्ट थे हमारे 1864 से लेकर 1869 तक। इनके दौर में दो मेजर स्टेप्स लिए गए। पहला तो ये था कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट इस्टेब्लिश किए गए इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम। पहला था कलकत्ता, दूसरा मद्रास ड्यूरिंग हिज रेन। सेकेंड इसमें एक इनके टाइम पे जो इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ वो था एंग्लो भूटानीज वॉर, मतलब भूटान से इन ब्रिटिश गवर्नमेंट की वॉर हुई थी। उसके बाद आता है आपका लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो जो था ये 1869 से 1872 के बीच में था, और इसने कई सारे मेजर स्टेप्स लिए, और इसके साथ एक हादसा भी हुआ जो इंडिया के अंदर ये पहला जो गवर्नर जनरल या वायसराय था जिसे किल कर दिया गया था विद इन द इंडियन टेरिटरी। इसको किल किसने किया था? शेर अली आफरीदी ने इन पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर के अंदर इसे कत्ल कर दिया गया था। तो देखते हैं वन बाय वन। पहला है फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया आपका सेंटर और स्टेट के बीच फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को। उसके बाद जो मेजर इसने स्टेप्स लिया, ये 1872 में पहला इंडिया का सेंसस करवाया था इसने। उसके बाद इसने मायो कॉलेज फॉर द रॉयल एलीट वाज सेटअप, मतलब जो रॉयल फैमिली के लोग थे, एलीट क्लास जो इंडिया के अंदर थी, उनके लिए इसने मायो कॉलेज ओपन करवाया। उसके बाद लॉर्ड मायो वॉज द ओनली गवर्नर जनरल Who was killed in India? He was killed by Sher Bahadur in Port Blair. ये important है, इस बार अभी exam में अक्सर पूछा जा रहा है कि establishment of statistical survey of India. तो statistical survey of India को establish किसने कराया था? तो ये भी Lord Mayo ने कराया थे। उसके बाद next आता है आपका Lord Northbrook. Lord Northbrook ये 1872 से 1876 तक था, और इसने भी कई सारे मेजर रिफॉर्म किए
जैसे कि सिविल मैरिज एंड आर्य समाज मैरिज इंट्रोड्यूस्ड, आर्य समाज मैरिज इंट्रोड्यूस एंड सिविल मैरिज, इसको इंट्रोड्यूस किया इन्होंने। यूनिवर्सल मैरिज एक्ट को पास किया था इन्होंने, जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था 1872 में। इंटरकास्ट मैरिज को अलाउ कराया था इन्होंने फर्स्ट टाइम इन इंडिया। उसके बाद इसी टाइम पे, लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक के टाइम पे ही आपका जो कूका मूवमेंट था पंजाब के अंदर, वो स्टार्ट किया गया था। तो फ्रेंड आप कमेंट में ये बताएं कि कूका मूवमेंट जो पंजाब में स्टार्ट हुआ था, उसको स्टार्ट करने वाले कौन थे, उनका नाम प्लीज कमेंट करें। उसके बाद आते हैं लॉर्ड लिट्टन। ये लॉर्ड लिट्टन जो था, ये तो बहुत ही खतरनाक वायसराय गुजरा इंडिया के अंदर, जो 1876 से लेकर 1880 तक था। इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को पास किया था, आर्म्स एक्ट 1878 को पास किया, और इसके टाइम पे जो टैक्स था वो बहुत ज्यादा हाई कर दिया गया था। तो इसमें दो व्यूज थे, एक पहला था नेशनलिस्ट व्यू, जिसमें जो इंडियन जो हमारे लीडर थे वो ये कह रहे थे कि ड्यू टू हाई रेट ऑफ टैक्सेशन परचेजिंग पावर हैड रिड्यूस्ड, तो परचेजिंग पावर जो है वो रिड्यूस हो रही है। लेकिन गवर्नमेंट क्या कह रही थी, कि गवर्नमेंट कह रही थी कि सूखा पड़ गया, ड्रॉट आ गया है, और जो कि ये नेचुरल फिनोमिना है, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसलिए लोग जो है वो गरीब होते जा रहे हैं। और उसके बाद इनका था, इन्होंने जो सीवियर फेमाइन आया, मतलब सूखा पड़ा, जो नेचुरल कैलेमिटी आई, उसको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। इग्नोर करने के बाद इन्होंने दरबार ऑर्गेनाइज किया टू प्रोक्लेम द क्वीन विक्टोरिया द इम्प्रेस ऑफ इंडिया, यानी इम्प्रेस ऑफ इंडिया प्रोक्लेम करने के लिए, उसको घोषित करने के लिए इन्होंने दरबार ऑर्गेनाइज किया। और जो यहाँ की प्रॉब्लम्स थी कि लोग फेमाइन की वजह से मर रहे थे, उस पर इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने क्या किया कि एबॉलिश कर दिया कॉटन पे टैक्स, किसके लिए, सिर्फ ब्रिटिश ट्रेडर्स के लिए, नॉट इंडियन ट्रेडर्स। उसके बाद जो इन्होंने नेक्स्ट स्टेप लिया था वो था मैक्सिमम एज टू टेक अप सिविल सर्विसेज एग्जाम लोअर्ड फ्रॉम 21 to 19, मतलब 21 साल से घटा करके 19 साल की एज कर दिया था टू टेक द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। उसके बाद आए लॉर्ड रिपन। लिट्टन ने जो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी थी उसको कुछ हद तक इन्होंने कम किया, और ये आए हैं 1880 से लेकर के 1884। तो सबसे पहले इन्होंने ये क्या किया कि बहुत सारे जो लिट्टन ने अलग अलग बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी थी, ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज बना रखे थे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सप्रेशन कर रखा था, उसको इन्होंने कुछ हद तक कंट्रोल करने की कोशिश किया। इसीलिए इनको मोस्ट लव्ड गवर्नर जनरल भी कहा जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा लोग इनको लाइक कर रहे थे। इन्होंने क्या किया कि रिपील कर दिया कंट्रोवर्सियल आर्म्स एंड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था और आर्म्स एक्ट था, इसको इन्होंने वापस कर लिया, रिपील कर दिया। उसके बाद इन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्टार्ट किया, ये बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसे ध्यान रखें कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था, इन्हें फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है इन इंडिया, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था, पंचायत सिस्टम और म्यूनिसिपल बोर्ड्स बनाए थे। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया कि दो न्यू यूनिवर्सिटीज को ओपन करवाए, पहला था पंजाब यूनिवर्सिटी, दूसरी थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887 एंड 1884। 1884 में पंजाब यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया और 1887 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को। फिर एल्बर्ट बिल 1883, इसमें इसका मकसद क्या था, एल्बर्ट बिल को इंट्रोड्यूस करने का, कि इंडियन जजेस भी क्या कर सकते थे, ट्राई कर सकते थे, यानी हियरिंग कर सकते थे किसके, ब्रिटिश अफेंडर का, मतलब कोई ब्रिटिश कोई जुर्म करता था तो उससे पहले, इस एल्बर्ट बिल से पहले कोई इंडियन जज उसकी सुनवाई नहीं कर सकता था। लेकिन जब एल्बर्ट बिल इंट्रोड्यूस हुआ तो इसमें ये राइट दिया गया कि इंडियन जजेस भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे
ब्रिटिश कोई भी जुर्म करता है तो उसको भी सुन सकते हैं, हियरिंग कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं इसका। लेकिन ब्रिटिशर्स ने बहुत ही ज्यादा अपोज किया, इंटेंसली अपोज बाय ब्रिटिशर्स। उसके बाद इन्होंने अपॉइंटमेंट किया हंटर कमीशन का। हंटर कमीशन का 1882 में अपॉइंटमेंट हुआ। इसमें क्या था कि जो ऊट्स डिस्पैच थे उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के बहुत सारी शिकायतें आ रही थी, कंप्लेंट्स आ रहे थे, तो उसको इन्वेस्टिगेट करना और प्राइमरी एजुकेशन और उसके इम्प्रूवमेंट, उसमें कौन कौन से स्टेप लिए जा सकते हैं और उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, इसके लिए इन्होंने हंटर कमीशन बनाया था। तो लॉर्ड रिपन का कार्यकाल काफी अच्छा रहा, इन्होंने काफी अच्छे स्टेप्स लिए थे। उसके बाद लॉर्ड डफरिन जो थे ये 1884 और से लेकर के 1888 तक थे। इन्हीं के टाइम पे एंग्लोज बर्मी बर्मीज वॉर स्टार्ट हुआ था, जिसमें 1885 से लेकर के 1886 तक चला था, थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर, यानी ब्रिटिश और बर्मा के बीच युद्ध हुआ 1885 से लेकर 1886 तक, थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर था ये। इन्हीं के टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी INC स्टैब्लिश हुआ था 1885 में। नेक्स्ट थे लॉर्ड लैंसडाउन। लैंसडाउन 1888 से लेकर 1894 तक थे। इन्होंने इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 इंट्रोड्यूस किया, जिसमें इन्हीं के टाइम पे ये आया था एक्चुअल में, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, जिसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इनडायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया। इन्हीं के टाइम पे फैक्ट्री एक्ट 1891 भी आया था। नेक्स्ट है लॉर्ड एलिन सिकेंड, जो 1894 से लेकर के 1899 तक थे। इनके टाइम पे फर्स्ट ब्रिटिश ऑफिसर कार्ल रांस वॉज किल्ड। पहले ये इन्हीं के टाइम पे पहले ब्रिटिश ऑफिसर को किल किया गया था। और इन्हें किल किसने किया था? छापेकार, छापेकार ब्रदर्स थे। छापेकार ब्रदर्स में कौन कौन थे? रामकृष्णा एंड दामोदर, ये दो भाई थे जिन्होंने फर्स्ट ब्रिटिश ऑफिसर को किल किया था, जो रांस था। दिस वॉज द फर्स्ट पोलिटिकल मर्डर। तो ये एग्जाम में पूछ लेता है कब फर्स्ट पॉलिटिकल मर्डर किसके थ्रू किया गया था, किसने किया था, तो ये किया था छापेकार ब्रदर। उसके बाद लॉर्ड कर्जन को अक्सर एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। बंगाल विभाजन, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, वो इन्हीं के टाइम पे हुआ था। तो 1899 से लेकर 1905 तक ये थे। इनके टाइम पे इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट आया था टू कंट्रोल इंडियन यूनिवर्सिटीज। उसके बाद आया था राले कमीशन। राले कमीशन में ये आया था 1902 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एजुकेशन एंड अपग्रेड इट। मतलब यहाँ पे जो इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम है उसको इम्प्रूव करना और उसको अपग्रेड करने के लिए जो भी सजेशन रिक्वायर्ड थे उस पे ये रालेस कमीशन बना था। और वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, पार्टीशन ऑफ बंगाल भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। उसके बाद आते हैं लॉर्ड मिंटो सेकेंड। इनका कार्यकाल था 1905 से लेकर 1910 यानी 1910 तक। इनके टाइम पे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 ये आया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? कि टू एक्सटेंड द प्रोविंशियल असेंबलीज इन इंडिया। और इसी टाइम पे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में ही सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स भी दिया गया था। उसके बाद आते हैं लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। इनका कार्यकाल था 1910 से लेकर 1916 यानी 1910 से लेके 1916 तक। इनके टाइम पे ही मेसोपोटामियन कम्युनिकेशन
कंपेन स्टार्ट हुई थी, जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इंडियन ट्रूप्स विद ब्रिटिश ट्रूप्स वो वहाँ पे मेसोपोटामिया यानी जो अभी प्रेजेंट में इराक में ये लोग युद्ध लड़ने गए थे अगेंस्ट द ऑटोमैन एम्पायर। इन्हीं के टाइम पे ट्रांसफर ऑफ कैपिटल हुआ था फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, यानी 1911 में, 1911 में कलकत्ता टू दिल्ली कैपिटल ट्रांसफर हुआ था। इन्हीं के टाइम पे हिंदू महासभा 1915 वाज एस्टेब्लिश बाय मदन मोहन मालवीय, यानी 1915 में हिंदू महासभा को एस्टेब्लिश किया गया था बाय होम बाय मदन मोहन मालवीय, ट्रिपल एम। उसके बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड का दौर आता है, इनका कार्यकाल शुरू होता है 1916 से 1921, 1916 से लेकर 1921 तक। इन्हीं के टाइम पे होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया गया था इन इंडिया बाय एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक। तो ये स्टार्ट हुआ था 1916 से लेकर 1918, बेस्ड ऑन आयरिश होम रूल मूवमेंट, यानी आयरिश होम रूल मूवमेंट के ही तर्ज पे इंडिया के अंदर भी होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया गया था टू अचीव द सेल्फ गवर्नमेंट। इसका ऑब्जेक्टिव था सेल्फ गवर्नमेंट को अचीव करना। इनके टाइम पे रॉलेट एक्ट पास किया गया था 1919 में, इसका जो ऑब्जेक्टिव था टू कर्व ग्रोइंग नेशनलिस्ट अपसर्ज। इसका मतलब ये था कि कंट्रोल करना था जो नेशनलिस्ट इंडिया के अंदर बढ़ रहा था, नेशनलिज्म इन इंडिया, उसको कर्व करना था। इसके लिए ये रॉलेट एक्ट पास किया गया था। मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी आया था, जिसमें ये आया था आपका 1919 में, 1919 में। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहते हैं 1919। इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन को और प्रोविंसेस अलाउड टू डायार्की और डुअल गवर्नमेंट, यानी डुअल गवर्नमेंट प्रोविंसेस में अलाउ कर दिए गए थे। उसके बाद नेक्स्ट थे इसमें लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 तक थे। इनके टाइम पे 1923 में स्वराज पार्टी बनी थी। चौरी चौरा इंसिडेंट भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था 1922 में। उसके बाद आए लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 तक थे। इनके टाइम पे लॉन्च ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ एंड दांडी मार्च बाय गांधी जी ये भी स्टार्ट हुआ था। इन्हीं के टाइम पे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी स्टार्ट हुआ, नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक चला था ये। उसके बाद आते हैं आपके लॉर्ड विलिंगटन। लॉर्ड विलिंगटन के टाइम था 1931 से 1936 तक। इनके टाइम पे सेकेंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था। इन्हीं के टाइम पे पूना पैक्ट साइन किया गया था। कम्युनल अवार्ड भी इन्हीं के टाइम पे स्टार्ट किया गया था। लॉर्ड लिंगथो, ये इनका कार्यकाल था 1936 से 1944 तक। इनके टाइम पे क्रिप्स मिशन आया था और क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। लॉर्ड वेवेल का जो कार्यकाल था वो 1944 टू 1947 था। इनके टाइम पे सीआर फार्मूला 1944 इंट्रोड्यूस किया गया और इन्हीं के टाइम पे लॉन्च ऑफ डायरेक्ट एक्शन डे भी दिया गया था, डायरेक्ट एक्शन डे बाय एम जिना। वेवेल प्लान एंड शिमला कॉन्फ्रेंस भी इन्हीं के टाइम पे आयोजित किया गया था। उसके बाद लास्ट है हमारे लॉर्ड माउंटबेटन, ये 1947 से 1948 तक थे। इनके टाइम पे जून थर्ड प्लान इंट्रोड्यूस किया गया और ये लास्ट वायसराय एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया थे। ओके फ्रेंड, सो मैंने जितने भी गवर्नर वायसराय थे 1918
47 तक सबको मैंने डिस्कस कर लिया। सो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है उसके बारे में आप कमेंट भी कर सकते हैं, अपने सजेशन दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।